हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम देख रहे हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस M2 और 5 के लिए। वेब डिजाइनिंग में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिस पे आज हम देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको MCQ टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा तैयार करने हैं, क्योंकि थ्योरी पोर्शन में पास हो गए तो आप प्रैक्टिकल पोर्शन में कहीं ना कहीं पास हो ही जाएंगे। इसलिए आप MCQ के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें। पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, जावास्क्रिप्ट में नंबर और अन्य वैल्यू को स्टोर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी किसी भी टाइप की वैल्यू है और हमें उसे स्टोर करना है तो हम किस टाइप के शब्द का इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रिंग, कोड, वेरिएबल्स या फंक्शन। तो स्ट्रिंग आप जानते हैं, डबल कोट्स के अंदर अगर कोई भी लाइन लिखी हुई है तो उसको स्ट्रिंग बोला जाता है। कोट्स मतलब कई लाइनें अगर आपके प्रोग्राम में लिखी है तो वो हो गया आपका कोट्स। वेरिएबल है एक स्टोरेज करने का जगह, मेमोरी ब्लॉक का नाम, जहां पर आप कोई वैल्यू स्टोर करते हैं। जैसे हमने यहां पर लिखा A assign 10, तो ये हो गया एक आपका वेरिएबल। तो इसका सही आंसर है वेरिएबल। अगला क्वेश्चन है, जावास्क्रिप्ट कोड को कहां पर लिखा जाता है। यानी HTML में हम अगर शामिल कर रहे हैं तो कहां पर लिखेंगे। एक्सटर्नल भी हम जावास्क्रिप्ट कोड लिख करके अपने पेज में शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम HTML डॉक्यूमेंट के साथ ही लिख रहे हैं तो कहां पर लिखेंगे। पहला HTML, दूसरा बॉडी, तीसरा है स्क्रिप्ट, या फिर चौथा है टेबल। तो किसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, तो इन चारों में से कहां पर जावास्क्रिप्ट कोड लिखेंगे। तो जावास्क्रिप्ट कोड लिखा जाता है स्क्रिप्ट टैग के अंदर। एक्सटर्नल भी अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी हमें स्क्रिप्ट टैग लगाना ही है। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर, यानी स्क्रिप्ट शुरुआत, उसके अंदर कोड, फिर स्क्रिप्ट क्लोज। अगला क्वेश्चन है हमारा, जावास्क्रिप्ट में एक ही लाइन का कमेंट देने के लिए किस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। सिंबल कौन सा इस्तेमाल होता है, यानी कमेंट लाइन करना है एक लाइन को, तो क्या कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखेंगे, या फिर डबल फॉरवर्ड स्लैश के बाद कमेंट लिखना है, या फिर हैच के अंदर लिखना है, या फिर फॉरवर्ड स्लैश और स्टार और फिर उसके बीच में लिखना है। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है फॉरवर्ड स्लैश, यानी ऐसे आप लिखेंगे फॉरवर्ड स्लैश दो और ऐसे आपका कमेंट हो गया, फिर फॉरवर्ड स्लैश, फिर आपका कमेंट, फिर फॉरवर्ड स्लैश, फिर कमेंट। तो जितनी बार आपको कमेंट लिखना है हर बार डबल फॉरवर्ड स्लैश इस्तेमाल करना है, या फिर आप इस्तेमाल करते हैं मल्टी लाइन कमेंट, तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन पूछा गया है वन लाइन यानी सिंगल लाइन कमेंट के लिए, तो बी ऑप्शन आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग रूल होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए, लेकिन जावास्क्रिप्ट की बात है तो किसका इस्तेमाल करते हैं, डेटा का, या डबल का, या फिर वेरिएबल का यानी वेर का, या डिम, किसका इस्तेमाल करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट में अगर हम कोई वेरिएबल का नाम ऐसे लिखते हैं तो भी ये वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है, क्योंकि डायनामिक टाइप की लैंग्वेज है। और अगर हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं वेर इसके बाद कोई नाम वेरिएबल का और फिर ऐसे, तो ऐसे भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सी नंबर इसका सही है, वेयर लिख करके आप वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जावास्क्रिप्ट में बिट वाइज और के लिए किस सिंबल का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए, बी, या फिर सी, या फिर डी। बिट वाइज ऑपरेटर और के लिए, पहला है एंड के लिए होता है ये बिट वाइज, और दूसरा है और के लिए, बिट वाइज और आपका होता है ये। ठीक है, ऐसे आप लिखते हैं कोई भी, जैसे ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, ऐसे आपको लिखना है, तो बीच में लिखेंगे और सी बड़ा है ए से, तो ये हो गया बिट वाइज और। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। मैथमेटिक्स में बहुत टाइप के ऑपरेटर हैं आपके जावास्क्रिप्ट में, तो इनमें बताना है कि असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा है। असाइनमेंट टैग क्या है, जैसे हमने अभी कहा कि ए असाइन 10, तो अब आप समझ गए होंगे कि असाइनमेंट टैग यानी असाइनमेंट सिंबल कौन सा है, ऑपरेटर या सिंबल। तो ए नंबर इसी को बोलते हैं असाइनमेंट, ठीक है, और ये होता है आपका इक्वल टू, इसको बोलते हैं इक्वल टू, सी वाले को बोलते हैं इक्वल टू, ठीक है। और ये हो गया आपका एंगल ब्रैकेट, डी नंबर आपको एंगल ब्रैकेट बोलते हैं इसको, और ये आपका हैज हो गया। तो इसका सही आंसर है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर इज ए नंबर। अगला क्वेश्चन, वायर जैसे हम डिफाइन करते हैं सेम वैसे ये एग्जांपल, वायर एक्स असाइन टू, तो ये असाइनमेंट होता है। अगला, किसी भी जावास्क्रिप्ट स्टाइल का एक्सटेंशन नाम क्या होता है। एक्सटेंशन नेम बताना है जावास्क्रिप्ट का। HTML का होता है डॉट HTML,
ठीक है, डॉट एच टी एम एल, और डॉट एच टी एम भी आप कर सकते हैं, डॉट एच टी एम दोनों होते हैं एच टी एम एल के लिए। सी एस एस के लिए होते हैं डॉट सी एस एस, केवल डॉट सी एस एस आप इस्तेमाल करेंगे सी एस एस का। इस तरह से बताना है आपको डॉट जी एस जावा स्क्रिप्ट के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट को रन करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? ब्राउजर, नोट पैड प्लस प्लस, सबलिम टेक्स्ट, विजुअल स्टूडियो कोड। देखिए ये तो तीनों क्या हैं, ये तीनों आपके हैं टेक्स्ट एडिटर, और टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल किया जाता है कोड को लिखने के लिए। क्वेश्चन पूछ रहा है रन करने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो आंसर आप समझ गए होंगे, रन करने के लिए हम और इंटरप्रेट करने के लिए ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि इंटरप्रेट करने के लिए यानी कन्वर्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो ब्राउजर में ही इंटरप्रेटर होता है, वो खुद ही कन्वर्ट कर लेता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ब्राउजर। अगला क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट कोड को वेब पेज में कहां लिख सकते हैं? हेड के अंदर लिख सकते हैं, या बॉडी के अंदर लिख सकते हैं, या हेड और बॉडी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो जावा स्क्रिप्ट कोड आप हेड के अंदर और बॉडी के अंदर दोनों के अंदर लिख सकते हैं। अगर आप HTML के साथ यानी HTML वाले पेज में ही शामिल करना चाहते हैं तो हेड और बॉडी दोनों के अंदर लिख सकते हैं, और एक बार से जितनी बार चाहें उतनी बार आप कोड को लिख सकते हैं। लेकिन अगर एक्सटर्नल लिखना है तो आप हेड के अंदर ही लिखेंगे। तो इसका सही आंसर है सी नंबर, हेड और बॉडी दोनों के अंदर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जावास्क्रिप्ट में इन्फिनाइट वैल्यू के बारे में कौन बताता है? नैन, इन्फिनाइट, माइनस इन्फिनाइटी, और इज नैन। तो इन्फिनाइट वैल्यू कौन सी है इसको पता करने के लिए या बताने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? ये फंक्शन एंड प्रीडिफाइंड, तो अब बताना है कौन सा इस्तेमाल करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर इस्तेमाल करते हैं इन्फिनाइट, इन्फिनाइट वैल्यू को पता करने के लिए सिर्फ आपको इन्फिनाइट टाइप का फंक्शन इस्तेमाल करना है। अगला क्वेश्चन है, जावास्क्रिप्ट में नेगेटिव इन्फिनाइट वैल्यू के लिए कौन बताता है? नैन, इन्फिनाइट, माइनस इन्फिनाइट, या इज नैन। तो इसका सही आंसर है आपका माइनस इन्फिनाइट, ठीक है, नेगेटिव इन्फिनाइट के लिए माइनस इन्फिनिटी टाइप का ये टैग इस्तेमाल किया जाता है, फंक्शन है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये फंक्शन है सभी। अच्छा, ये इज नैन क्या होता है? इज नैन आप जब अपना फॉर्म वैलिडेट करते हैं तो अगर आपको नंबर चाहिए, इज नंबर है ना, यदि पूछा जाए कि यदि नंबर हो तो ऐसा हो ना, तो वहां पर इज नैन का प्रयोग करते हैं, ये भी फंक्शन है। अगला है, कौन सा फंक्शन नया एरे बनाता है? न्यू वेयर, न्यू एरे, या फिर न्यू डिम, या फिर न्यू रीडिम। तो न्यू एरे के लिए देखिए, एरे डिक्लेयर करने के लिए आप कोई वेरिएबल लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर जैसे हमने लिखा 10, तो ये 10 वेरिएबल बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से एरे डिक्लेरेशन होता है। तो एरे डिक्लेरेशन करने के लिए आप इस फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नया फंक्शन बना सकते हैं इस तरह से न्यू एरे, तो ये एक नया फंक्शन बना देगा एरे टाइप का। अगला है, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करने का गलत फॉर्मेट कौन सा है? वायर एक्स टू असाइन 10, वायर एक्स असाइन 2, वायर 1x असाइन 3, वायर नेम असाइन क्रिस। कौन सा गलत फॉर्मेट है? देखिए एक्स टू असाइन 10 ये तो सही है, वायर एक्स टू असाइन 2 ये भी सही है, वायर नेम कृष्णा ये भी सही है। गलत है तो सिर्फ ये सी वाला, ठीक है, ये वाला गलत है। कौन सा गलत फॉर्मेट है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि यहां पर पहले 1 लिखा गया है, किसी भी वेरिएबल में पहले 1 नहीं आ सकता है, नंबर वैल्यू नहीं आ सकती है। अगला क्वेश्चन है, जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग के लेंथ के बारे में कौन फंक्शन बताता है? लेंथ, या कैरेट, कैरकोडेट, या कनकेट। तो जावास्क्रिप्ट में लेंथ पता करने के लिए या लेंथ डिफाइन करने के लिए आपको पता करना है अगर, तो ये लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, लेंथ, लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं जावास्क्रिप्ट में लेंथ पता करने के लिए, बताने के लिए। अगला क्वेश्चन है,
जावास्क्रिप्ट में कौन सा फंक्शन दो स्ट्रिंग को जोड़ता है, यानी दो स्ट्रिंग करने का मतलब जैसे हमने यहाँ पर लिखा डबल कोट्स के अंदर एक एबीसी ऐसे है ना, और डबल कोट्स बंद किया प्लस यहाँ पर हमने डबल कोट्स के अंदर और लिखा कोई सीडीए कुछ भी लिखा, तो ये दो स्ट्रिंग हो गई। ऐसे प्लस करके तो हम जोड़ सकते हैं ना, और किसी वेरिएबल में मान लो हमने असाइन कर दिया, इसे सी में असाइन कर दिया, तो इस तरह से हम जोड़ सकते हैं। अब सी को प्रिंट करेंगे दोनों एक साथ प्रिंट हो जाएंगी, लेकिन अगर हम इस तरह नहीं करते हैं तो दूसरा तरीका इनमें से कौन सा है, यानी फंक्शन का तरीका कौन सा है, लेंथ कैरेट कैरकोडेट या कनकेट। तो दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए इसी को बोलते हैं कनकेटिनेट ऑपरेटर, इस प्लस को यहाँ पर बोलेंगे कनकेटिनेट ऑपरेटर और इस फंक्शन को बोलेंगे कनकेट। तो ये फंक्शन इस्तेमाल होता है दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए कनकेट। अगला क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट में बिटवाइज एंड ऑपरेटर के लिए किस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, बिटवाइज एंड पूछ रहा है, ए नंबर या बी नंबर या सी नंबर या फिर डी नंबर। तो देखिए अभी हमने बात की थी और फंक्शन के बारे में, तो बिटवाइज और के लिए इस फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, ए सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, और एंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है ए वाले का, बिटवाइज एंड ऑपरेटर इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट में कौन सा सिंबल बिटवाइज नॉट, बिटवाइज नॉट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी क्वेश्चन हो गए तीन के बारे में, दो के बारे में, अगला क्वेश्चन पूछा है बिटवाइज नॉट, एक ऑपरेटर से क्वेश्चन जरूर आएगा एक आध। ये हो गया आपका ए बी सी या फिर डी, बिट वाइज नॉट के लिए कौन सा है। तो अभी हमने बात किया कि एंड ऑपरेटर ये हो गया, ये और ऑपरेटर हो गया, और इसको बोलते हैं नॉट ऑपरेटर, बिट वाइज नॉट ऑपरेटर सी नंबर। अगला क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट में फॉर लूप कितने पार्ट्स में बटा हुआ होता है, फॉर लूप कितने पार्ट में बटा हुआ होता है। देखिए जब हम डिक्लेयर करते हैं लूप को तो हम लिखते हैं फॉर ऐसे, और हमने लिखा आई असाइन वन, यानी आई को एक से शुरुआत किया, और आई इज लेस देन इक्वल टू जितने तक चलाना है 10 तक 20 तक ये यहाँ पर लिखा मैक्सिमम वैल्यू, और इसके बाद आई की वैल्यू को हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं जो भी हमें कम ज़्यादा करना है। ये हो गया आपका फॉर लूप। तो कितने पार्ट हुए, एक हो गया आपका इनिशियलाइजेशन, दूसरा हो गया आपका कंडीशन, और तीसरा हो गया घटाना या बढ़ाना, इसको बोलते हैं फ्लो। तो कितने पार्ट हो गए, एक दो तीन चार में से तीन पार्ट। अगला क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट में लूप का पहला पार्ट क्या होता है। देखिए अभी अभी हमने बात की कि कितने पार्ट होते हैं, तीन, और कौन कौन से होते हैं यहाँ पर मैंने बताया। तो पहला पार्ट क्या है, कंडीशन चेकिंग, इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या कंटिन्यू। तो पहला पार्ट होता है किसी भी लूप का इनिशियलाइजेशन, यानी शुरुआत करना। अगला क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट में लूप का दूसरा पार्ट, तो दूसरा पार्ट हमने क्या लिखा अभी, कंडीशन चेकिंग, इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या कंटिन्यू। तो दूसरा पार्ट हो गया आपका कंडीशन चेकिंग। अगला है 21 जावास्क्रिप्ट लूप का तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट हमने बताया अभी क्या है इनमें से, कंडीशन चेकिंग, इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या कंटिन्यू। तो तीसरा पार्ट होता है आपका, इसका सही आंसर है सी नंबर, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, इसी को बोलते हैं फ्लो, घटाना या बढ़ाना। कहीं अगर क्वेश्चन मिलता है कि इसका आंसर क्या है फ्लो, तो आप फ्लो भी लगा सकते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अगला क्वेश्चन है लूप को रोकने के लिए किसी स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, ब्रेक, इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या फिर कंटिन्यू। तो लूप को रोकने के लिए ब्रेक कीवर्ड इस्तेमाल होता है। ठीक है, नॉर्मली लूप को ब्रेक करना है तो ब्रेक, या रोकना है तो ब्रेक। अगला है जावास्क्रिप्ट में किसी फंक्शन की शुरुआत किस शब्द से होती है, ब्रेक से, कंटिन्यू या लेबल या फंक्शन। तो आप क्या करते हैं, जब कोई फंक्शन बनाते हैं तो आप लिखते हैं फंक्शन, ठीक है, ऐसे लिखते हैं फंक्शन, इसके बाद फंक्शन के बाद कोई नेम, जैसे हमने देखा फन नाम का फंक्शन हम बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा फन, फिर इसके बाद ब्रैकेट, और ये आपका फंक्शन स्टेटमेंट यहाँ पर लिखे जाते हैं इस तरह से। तो ये जो पहले हमने शब्द इस्तेमाल किया इसी को बोलते हैं कीवर्ड। तो किसका इस्तेमाल किया गया, डी नंबर, फंक्शन कीवर्ड का, फंक्शन बनाने के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। अगला है बी ओ एम का फुल फॉर्म, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, ब्राउजर ऑपरेटिंग मॉडल, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, ये ब्राउन ऑब्जेक्ट मॉडल। अगला है ब्राउजर ऑब्जेक्ट मिशन, बी ओ एम का सही फॉर्म है, फुल फॉर्म हो गया ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। अगला क्वेश्चन है डी ओ एम का, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट डोमेन ऑब्जेक्ट मॉडल, और है डॉक्यूमेंट ऑफिस मॉडल या डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट। डी ओ एम का फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अगला क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट में कुकीज सेट करने में कौन सी प्रॉपर्टी हेल्प करती है,
कुकीज सेट करने में कौन सी प्रॉपर्टी हेल्प करती है? डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज, विंडोज डॉट अलर्ट, या विंडोज डॉट हिस्ट्री बैक, या विंडोज डॉट प्रॉम्प्ट, इनमें से कौन सा कुकी हेल्प करती है? इसका सही आंसर है आपका ए नंबर, डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज। तो ये प्रॉपर्टी ही आपको हेल्प करती है डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज नाम की, आपके कुकीज को सेट करने के लिए जावा स्क्रिप्ट में इसे इस्तेमाल करते हैं। अगला, किसी स्टेट में जब हम एक से ज़्यादा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उन्हें अलग करने के लिए किस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं? जैसे हमने यहाँ पर लिखा ए असाइन 5, फिर दोबारा इसी लाइन में हमें लिखना है बी असाइन 10। तो अब बीच में यहाँ पर जो जगह बचती है यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया जाएगा? पहला है कॉमा, दूसरा कॉलन, या फिर डैश, या फिर फॉरवर्ड स्लैश, किसका इस्तेमाल किया जाएगा? तो यहाँ पर हम लगाते हैं कॉमा ऐसे, तो ए नंबर हो गया सही आंसर आपका। अगला, जावास्क्रिप्ट में एरे लिखने के लिए किस ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं? अभी आपको बताया हमने कर्व ब्रैकेट, यानी इसी को बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं इसको कर्व ब्रैकेट। ये ए नंबर में कर्व ब्रैकेट से मतलब होगा, कर्व मतलब ये वाला, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। तो ये आप पैरेंथेसिस वाला इस्तेमाल करते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं या फिर कर्ली ब्रैकेट मतलब ये वाला इस तरह का इस्तेमाल करते हैं या कॉर्नर ब्रैकेट। अब कॉर्नर ब्रैकेट तो कोई होता ही नहीं, कॉर्नर ब्रैकेट क्या है? तो सही आंसर बताना है किसका इस्तेमाल करते हैं, तो सी बी नंबर स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं एरे के लिए। अभी हम पहले क्वेश्चन में बताए हैं एरे डिक्लेयर कैसे किया था, जैसे हमें डिक्लेयर करना है तो हमने लिखा ए, और यहाँ पर एरे का नंबर कितनी वेरिएबल हमें एरे में बनाने हैं 10, 12, 15, इस तरह से असाइन करते हैं। अगला क्वेश्चन, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में कितने प्रकार की एरर होती है? 1, 2, 3, 4, 6, 8, कितने टाइप की होती है एरर? तो जावास्क्रिप्ट में एरर 3 टाइप का होता है, रन टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर, सिंटैक्स एरर। अगला क्वेश्चन है, टीओसी की फुल फॉर्म क्या है? टेक्स्ट ऑफ कंटेंट, टाइम ऑफ कैलकुलेटर, टेबल ऑफ कंटेंट, या टर्मिनेटर ऑफ कंटेंट, टीओसी। तो इसका सही जवाब है टेबल ऑफ कंटेंट, टीओसी। अगला क्वेश्चन है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पहला चरण क्या होता है? टेस्टिंग, प्लानिंग, डेवलपिंग, या डिफाइनिंग, पहला स्टेप या पहला चरण कौन सा होता है? सिस्टम डेवलपमेंट साइकिल में सबसे पहला स्टेप होता है प्लानिंग, प्लान करना कि आपको पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, आपको क्या क्या कोड शामिल करने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। सही आंसर हो जाएगा आपका प्लानिंग। W3C की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब करिकुलम, वर्ल्ड वाइड वेब कंस्टोरियम, वर्ल्ड वाइड वेब सेंटर, वर्ल्ड वाइड वेब कंटेंट। तो इसका सही फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब कंस्टोरियम, बी नंबर, वर्ल्ड वाइड वेब कंस्टोरियम इसका सही फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन, जावास्क्रिप्ट में कौन सा डेटा टाइप होता है जो केवल ट्रू या फॉल्स वैल्यू को आउटपुट देता है? बुलियन, डायनामिक, ऑब्जेक्ट, या स्ट्रिंग, केवल ट्रू और फॉल्स बताता है, उसे क्या कहेंगे? तो उसे बोलते हैं बुलियन डेटा टाइप। अगला क्वेश्चन, एरर को हैंडल करने के लिए किस स्टेटमेंट का यूज होता है? एरर को हैंडल करने के लिए ट्राई, कैच, थ्रो, फाइनली, किसका इस्तेमाल होता है? कैच का। अगला क्वेश्चन, एरे में नया एलिमेंट ऐड करने के लिए हम किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे? जैसे हमने 10 वेरिएबल का एक एरे डिक्लेयर कर दिया तो हम उसमें नया एलिमेंट ऐड करते हैं तो किसका इस्तेमाल करेंगे जावास्क्रिप्ट के लिए? ज्वाइन, पुश, पॉप, शिफ्ट। तो नया एलिमेंट ऐड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं पुश का। अगला, जावास्क्रिप्ट में हेलो वर्ड लिखने के लिए सही सिंटेक्स क्या है? सिस्टम डॉट आउटपुट लेन हेलो वर्ड, प्रिंट लेन हेलो वर्ड, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ड, या रिस्पॉन्स डॉट राइट हेलो वर्ड। देखो ये भी यूज किए जाते हैं लेकिन ये अलग अलग लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं, ए बी डी तीनों। हमें बताना है जावास्क्रिप्ट के लिए, तो जावास्क्रिप्ट के लिए सही मेथड है आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ड, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाएंगे। और कंसोल डॉट लॉग का भी इस्तेमाल करते हैं और अलर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें तीनों ऑप्शन में से केवल यही है डॉक्यूमेंट डॉट राइट।
हेलो वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है? फाइल लोड, सर्वर साइड की बात की जा रही है, फंक्शन या फाइल? फाइल लोड, फंक्शन या फाइल? तो सर्वर साइड के लिए है फाइल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है? सर्वर साइड हो गया आप, क्लाइंट साइड, डेटाबेस, कर्सर, क्लाइंट या फाइल अपलोड? तो क्लाइंट साइड के लिए है फाइल अपलोड, क्लाइंट का काम होता है फाइल्स को अपलोड करना। अगला है, जावास्क्रिप्ट में किसी स्पेसिफिक कंडीशन को चेक करने के लिए किसी स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है? किसी स्पेसिफिक कंडीशन को चेक करने के लिए, सेलेक्ट, इफ, स्विच या फिर फॉर? कंडीशन को चेक करने के लिए इफ का ही इस्तेमाल करते हैं, इफ, एल्स, इलिफ, ऐसे इफ, एल्स, इफ, या कंडीशनिंग स्टेटमेंट जो होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जावास्क्रिप्ट की खोज किसने की थी? ये तो सभी को पता ही होगा, ब्रेंडन रिच, ब्राडन रिच, जॉन इक्लेर, जॉन मर्ची। तो इसका सही जवाब है ब्रेंडन रिच। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक फंक्शन जिसकी कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होती उसे क्या कहा जाता है? एक फंक्शन जिसकी कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होती उसे क्या कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमने पूछने के लिए रखा हुआ है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे और पहले कमेंट के पिन में आपको ऐसा इसका आंसर मिलेगा। रिटर्न वैल्यू नहीं होती, प्रोसीजर, मेथड, स्टैटिक फंक्शन या डायनामिक फंक्शन। ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने पहले से दे रखे हैं।